कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग पर बने मकान हटवाने सहित दुर्ग नायब तहसीलदार को निलंबित किए जाने की मांग को लेकर ग्राम हरोदा के कृषक ने 10 पॉइंट पर लिखित शिकायत कर जनदर्शन में दुर्ग कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनदर्शन में यूं तो बहुत से आवेदन पहुंचे, लेकिन एक आवेदन ने जनदर्शन में मौजूद अधिकारियों को सख्ते में डाल दिया। दरअसल यह आवेदन दुर्ग जिले के ग्राम हनोदा के किसान रविन्द्र कुमार सिंह ने दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपनी 6 एकड़ किसानी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर्ताओं के द्वारा सड़क निर्माण किए जाने की शिकायत की और इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार सत्येंद्र शुक्ल की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए निलंबन की कार्रवाई किए जाने की मांग की। गौरतलब है कि ग्राम हनोदा के कृषक व शिक्षक रविंद्र कुमार सिंह विगत कई वर्षों से अपनी कृषि भूमि पर भू माफियाओं के द्वारा खेती की जमीन पर कब्जा किए जाने पर कार्यवाही की मांग को लेकर लगातार ज्ञापन और पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। वहीं रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि साजिश के तहत मेरी कृषक भूमि को 2009 में बलपूर्वक अवैध कब्जा कर सड़क बना दिया गया, जिसके बाद माननीय न्यायालय के न्याय के बाद 5 वर्षों बाद मुझे मेरी जमीन पर कब्जा दिलाया गया। वहीं रविंद्र कुमार सिंह ने दुर्ग नायब तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी स्थितियों की जानकारी होते हुए भी दुर्ग नायब तहसीलदार सत्येंद्र शुक्ल द्वारा मेरे निजी कृषि वादग्रस्त भूमि पर समूह बनाकर उनके हितों का ध्यान रखकर इस मामले में हस्तक्षेप कर माननीय जिला न्यायालय की अवमानना की, जिसकी लिखित शिकायत रविंद्र कुमार सिंह ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा को जन दर्शन में ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में पीड़ित कृषक ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। हनोदा में मेरी कृषि भूमि है और कृषि भूमि पर इन्हों बलात् कब्जा करके रोड बनाए और पीछे 150 प्लाट बेच दिए लोगों को और धोखा देकर के बेचे हैं। और जब वो प्लाट हटा है तो ये हालत हो गया है कि जब अवैध प्लाटिंग के ऊपर कलेक्टर महोदय कार्रवाई करने के लिए बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा लेटर में 16/9/2021 को कलेक्टर महोदय ने आदेश निकाला है कि 61(k)(g) में अपराध पंजीबद्ध किया जाए। जिलाधीश के आदेश को अवहेलना करके आज तक अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया, जिससे जिलाधीश को जवाब नहीं दे पाया। मैंने बोला सर, इसी तरह की घटना घटी है और नायब तहसीलदार तो जो जिला न्यायालय अतिरिक्त ADJ कोर्ट के आदेश को अवमानना करते हुए और नया आदेश निकाल रहे हैं, जबकि जिला तहसीलदार खुद एक उसमें पक्षकार है। ऐसी स्थिति में क्या बोला जाए कि तहसीलदार न्यायालय को ऊपर सुपरसेट कर रहा है, तहसीलदार जिलाधिकारी के आदेश को सुपरसेट कर दे रहा है, कुछ नहीं मान रहा है, किस दबाव में कर रहा है, किस लालच में कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर महोदय से बात किया कि उसको निलंबित किया जाए, निलंबित करके जांच किया जाए तहसीलदार महोदय का। और तहसीलदार महोदय किस अधिकार से वो रास्ता देने का दे रहा है, जबकि रास्ता ADJ कोर्ट रास्ता जिलाधिकारी लिखा हुआ है कि 760 यानी मेरे खसरे में नक्शा रास्ता बना हुआ है, उसके बाद भी धोखे से वो प्लाट बेच रहे हैं। अब प्लाटिंग वाले के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया जाए, जो अवैध प्लाटिंग करता है मनीष मिश्रा अशोक साहू इनको गिरफ्तार किया जाए और तहसीलदार को निलंबित किया जाए। मैंने शॉर्ट में ये मांग रखा है और ये मांग हो जाने पर वहाँ की स्थिति खराब, लगातार अवैध प्लाटिंग हो रहा है, पूरे कृषि भूमि नष्ट हो रहा है। शासन को होश तक नहीं है कि अवैध प्लाटिंग को रोका जाए करके। मंत्री महोदय से मैंने बात किया था तो बोल रहे थे कि हम अवैध प्लाटिंग रोकेंगे करके, पेपर में भी आया था, न्यूज़ में भी आया था, लेकिन आपने बोलना अलग होता है, करना अलग होता है। मैंने 1 साल से अवैध प्लाटिंग का लगातार दिया जा रहा हूँ, आप अवैध प्लाटिंग को रोक नहीं रहे, अवैध प्लाटिंग वाले को गिरफ्तार नहीं कर रहे, अवैध प्लाटिंग वाले को अत्याचार करने के लिए खुला छोड़ दिया, सांड की तरह अत्याचार कर रहे। मैं धान नहीं बो पा रहा हूँ, पिछले साल मेरा बारी तोड़ दिए थे सबके सब उठा करके, और ऊपर से धमकी देते हैं अलग से, मारपीट अलग से करते हैं, बाड़ी अलग से नहीं करते, इस बार मैं धान नहीं बो पा रहा हूँ, मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान होगा, कौन देगा नुकसान? अभी कलेक्टर ने आपको क्या किया? कलेक्टर महोदय ने बोला है सत्येंद्र शुक्ल, मैं तो नाम ले रहा हूँ ना, मैं ऑन माइक में बोल रहा हूँ नाम की, सत्येंद्र शुक्ल तहसीलदार ने न्यायालय की न्यायालय मैंने लिख करके दिया कलेक्टर महोदय को, न्यायालय के केस की अवमानना किया उसने यहाँ से, सत्येंद्र शुक्ल नाम बता रहा हूँ मैं और उसको निलंबित करने की मांग किया हूँ। कैसे सत्येंद्र शुक्ल दे सकता है रास्ता? यह कोई पहला मामला नहीं है जहाँ किसी जिम्मेदार पद पर पदस्थ अधिकारी पर इस तरह के संदिग्धता के आरोप लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।